शायर भी कवे शेर आ रहा, ये ना वे शेर भी कितना है कम शुरू कर दे। शेरे बेदार अजफसूने में शफ इनहिताते खेशरा ताजीब गुफ। इकबाल कहना जब शेर भी बेड़ा दे नाल चलन ना तो फिर वह घा खान लग पे। करीब बंदा गुजरिया, इकबाल कहना शेर जड़ा घा खाई जा रहे सी, ते बंदा कोल खड़ा हो गया, उन्हें कहा जनाब तुसी कदों दा घा शुरू कीता है? उन्हें कहा जदों तो तारिक जमील नाल मुलाकात होगी। वीना मलिक दी जनाब निकाह भी पढ़ाया, तावत वलीमा भी की थी। मैं आखा कमीनिया साढ़े वड्डे ने भी बड़े बड़े गंदिया सीधा किया। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ च लिखा भाई बगदाद च गलत औरत सी ते लोगां जुनाए ते बगदादी नूं क्या बाबा जी नूं समझाओ आप ते घर चले गए। फरमा कुड़िए ए वजू कर, उन्हें वजू कराया ते दूर पिछे मैं ते स्पीकर वाली जगह खड़ के आप अगे खड़े हो गए। फरमा कुड़िए जो मैं करांगा तू वही करना है। आप नमाज की नीयत बन के खड़े हो गए। जब सजदे च गए ना तो मौलाना रूम फरमांदे हजरत जुनाद बगदादी रो पे। उन्हें कहा जनाब हुण की गल रब ना की अजना सूए नमाज अबुर दमश आखिर कारम बूद कर दमश कल कल महाबत फैले मुस्तफा। या अल्लाह मेरा इतना ही काम सी, मैं बदकारी दी हटा के ते तेरे सामने सजदे च पा दिता। मेरा इतना ही काम सी, हुण अपने नबी दे सदके दा दिल बदल दे। गजबात कर ते मौलाना रूम फरमांदे जदों सजदे च सिर चुकिया ते वलिया बन चुकी सी, मुड़ के वीना मलिक नहीं रही। साढ़े वड़े ने भी तबलीग की थी लेकिन मुड़ के वीना मलिक कोई नहीं रही, तो वक्त की वलिया बन गई। सही तो उठने वक्त की वलिया बन गई। जो जहा बंदा अल जिनसो यमील हो लाल जिन जो जहा मुबल्ले यो जे अगे तबलीग। साढ़े वड़े ने यह जी हरकत नहीं की, साढ़े वड़े ने तो लोग वेख के कलमे पड़े। साड़ी कौम कहती तो बड़ी तारिक जमील बड़ी तकरीर करता है। मैं अगर मैं सिर्फ तकरीर करना, तकरीर क्या करता है? वगारों में रोया, यारों में रोया, वो मिजारों में रोया, ये तकरीर कर, ये तकरीर है। और जो उसकी तकरीर है मेरे पास है, मैं अगर आपको सुनाऊं तो आप मुझे भी मार दें। ऐसे ऐसे बकवास करता है, इसलिए कि जब अदब चला गया तो पीछे क्या रह गया। जब रब ने यह फरमाया मेरे हबीब तो आवाज ऊंची नहीं करनी, तो जरा इंची टेप लेके खड़े होवे नबी को यह था पता, तो उस कमीने को दीन समझ आ सकते हैं। और मैं उच्ची आवाज नहीं करनी, तो जेड़ा इंची टेप लेके मसीती खड़ा होवे मिंबर ते खड़ा होवे इस चीज का पता था इसका नहीं पता था, उसको कभी दीन समझ आ सकता है? दीन समझ आएगा तो इमाम अहमद रजा बरेलवी को आएगा या इमाम रब्बानी को आएगा या पीर मेरे अली शाह को आएगा या दाता अली हजवेरी को आएगा या सुल्तानुल हिंद को आएगा या हजरत सूफी साहब को आएगा या शाह अहमद नूरानी को आएगा या मुजाहिद मिल्लत मौलाना दस्तार खान न्याजी को आएगा। जेल के कपड़े भी छोटे हो जान तो जेलर और सुपरिटेंडेंट जेल करना, और न्याजी इतने आके तू ठुला हो गया हो, तेन तो सजाए मौत हो गई। इतने तो बड़े बड़े सुकड़ जाने 1973 तो हूं भी गल है, सदियां पहले तो नहीं। मौलाना न्याजी फरमान लगे सुपरिटेंडेंट जेल फरमा कमीनिया और सुकड़ा हो जरा जुर्म करके आवे। मैं तो मोहब्बत रसूल चाहे बैठा